फाइनली मिली मूवी देख ली और मुझे नहीं मालूम किस किस को देखने को मिली, क्योंकि ये मिल नहीं रही कहीं भी। जहां भी जाओ वहां के टिकट्स बुक नहीं हो पा रहे हैं। मैं कल गया देखने के लिए भाई साहब, 3 बार गया मैं सुबह से लेकर शाम तक, एक भी बार भाई साहब थिएटर में शो नहीं चला। बंदे पूरे नहीं हो पाए कि उन्होंने साफ मना कर दिया कि सर जब तक 10 बंदे या फिर 6 बंदे, किसी थिएटर का रूल 6 है, किसी का 10, अगर इतने नहीं होंगे तो हम नहीं चला सकते। तो भैया नहीं चली। आज मैं दोपहर जाकर देख कर आया हूँ, अब मैं इसका रिव्यू कर रहा हूँ। ये लगा लीजिए मैं थक गया बिल्कुल इस मूवी को देखने के लिए, तरस गया भाई ये किस लेवल की मूवी है। और जब मैंने देखा तो मुझे लगा सच में लोग बात क्यों नहीं आ रहे हैं, इसका कारण मैं तुरंत जान गया। देखो भाई सबसे पहले इसकी स्टार कास्ट की बात करता हूँ। 3 बंदे पूरी मूवी खत्म, इन 3 बंदों ने पूरी मूवी को समेट दिया और सबसे ज्यादा स्क्रीन टाइम लिया मिली, मतलब हमारे जानवी कपूर ने। देखो भाई जानवी कपूर हैं एज ए मिली, दूसरे हैं हमारे सनी कौशल जो कि है समीर, और तीसरे हैं हमारी जो मिली है जो हमारे जानवी कपूर है जो कि एज ए फादर उनका किरदार निभा रहे हैं, उनका नाम है मनोज पावा, जिनका की फिल्म के अंदर नाम है मिस्टर नोडियाल। तो भाई ये 3 लोग कहानी खत्म। अब बात सुनो, देखो भाई वही लोग रुके हैं यहाँ पर जिन लोगों को सिर्फ इतना जाना था मूवी देखनी है कि नहीं। जी बिल्कुल आप देख सकते हो, थोड़ी देर की मूवी है, 2 घंटे 10 मिनट की, और हाँ एक सर्वाइवल मूवी है, देख सकते हो अच्छी खासी मूवी है, अच्छी खासी इन द सेंस ये नहीं कि अच्छी मूवी है, हाँ टाइम पास कर देगी आपका। और लास्ट को छोटा मोटा सीन है, और भाई साहब देखो सिंपल सी बात है, साउथ की रिमेक है जिसका नाम था हेलन। तो यार अगर साउथ की रिमेक है तो लिया गया है वहां पर, उन्होंने अच्छा खासा अपना ग्रोस कलेक्शन किया था, अपना नेट कलेक्शन किया था, तो यहाँ पर भी इन्होंने इस चक्कर में ही निकाली कि वही वहां पर इतनी चल गई तो यहाँ पर भी चल जाएगी। बहरहाल ठीक ठाक है। बात कर लेते हैं उन लोगों की जिन लोगों को जानना पूरी मूवी के बारे में, जिन लोगों को स्टोरी सुननी है एंड तक देखना। भाई साहब एंड तक देखने से पहले पहले भाई वो लोग सब्सक्राइब कर दो जो लोग जाने वाले हैं, प्लीज प्लीज सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो और चारों तरफ फैला दो। चलो अब आते हैं स्टोरी की तरफ। स्टोरी कुछ ऐसे है, जो मिली है वो एक नर्स का कोर्स किया है लेकिन वो किसी रेस्टोरेंट में काम कर रही है, लेकिन लड़की जो है बहुत ज्यादा अच्छी है जो कि फ्रेंडली है और लोगों से बातचीत भी करती है, लोगों की मदद भी करती है और अपने पिता के साथ हंसी मजाक वगैरह खेल सारा चीजों को चलता रहता है। वहीं पर इनके जो बॉयफ्रेंड है समीर, तो उनके साथ भी इनका रिलेशन काफी अच्छा चल रहा है और बहुत प्यारा चल रहा है, जो कि ट्रेन है बिल्कुल ट्रैक पर चल रही है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पर लेकिन कहते हैं ना कि जिंदगी में एक मोड़ जरूर आता है, ट्रेन चल रही हो चाहे बस, तो मोड़ तो आना तय है, बस जिंदगी का वही मोड़ आता है। इसके बीच में एक ट्विस्ट ये है कि जो ये जहां पर ये काम करती है वहां पर ये सुबह से लेकर थोड़ा लेट हो जाती है रात को घर आने में, तो किसी को ज्यादा सोचना नहीं पड़ता, बस यहीं पर थोड़ा सा घाटा हो गया। घाटा क्या हो गया, जब ये जिस दिन ये काम पर जाती है उस दिन रात को वापस नहीं आती है। अब घर वालों को लग रहा है कि हो सकता है कि वो किसी काम से गई हो और वो लेट हो रही है, पर लेकिन एक समय सीमा होती है जो बाप होता है वो समझ जाता है कि भाई मेरी बेटी किसी दिक्कत में है, और बाप की तकलीफ सिर्फ बाप समझ सकता है। तो बस वही वहां पर वही हुआ और वो अपने बेटी को ढूंढने के लिए निकल गया। उसके बाद खेल शुरू होता है मिली का सर्वाइवल का। तो भैया सर्वाइवल का लेवल जो है वो कुछ अप लेवल तक जाएगा और अंदर का जो टेम्परेचर वो माइनस तक जाएगा, अंदर का टेम्परेचर माइनस और बाहर का प्लस, तो इस तरह से कुछ इसकी मूवी रहने वाली है। देखो भाई सर्वाइवल थोड़ा ठीक ठाक दिखाया गया है, चूहे को मुझे लगता है अच्छा खासा रुपया दिया गया है। क्यों दिया गया है, मैंने ये बात क्यों बोली, इसका कारण है बजट। भाई साहब 30 करोड़ का बजट है, मुझे लग रहा है चूहे ने 10-15 करोड़ तो चूहे ने ले लिए होंगे, बाकी रुपए बाकियों को मिल गए होंगे। मुझे नहीं लगता कि इतना रुपया कहां खर्च कर दिया, पता नहीं भाई कहां खर्च कर दिया। बहरहाल इसका जो सस्पेंस है वो ठीक ठाक है, देखने में थोड़ा मजा आ सकता है आप लोगों को, लेकिन वन टाइम मूवी है, ज्यादा आपको देखने लायक ऐसी नहीं कि आप लोग ये तरस जाएंगे नहीं हम तो पूरी देखेंगे, हम दोबारा देखेंगे, हम तिवारा देखेंगे, वो नहीं है। एक बार देखो कहानी खत्म, उसके बाद कोई मजा नहीं आने वाला, बाकी मूवी उसकी तरह नहीं है, क्योंकि सर्वाइवल मूवी के अंदर सस्पेंस है तो सस्पेंस खुल जाएगा तो मजा बिगड़ जाता है। लेकिन कुछ मूवीज ऐसी होती हैं जो कि आप सर्वाइवल मूवी हो चाहे सस्पेंस मूवी हो आप 4-4 बार भी देख सकते हैं, क्यों, क्योंकि उनकी स्टोरी और उनकी एक्टिंग। तो भाई इसके अंदर अगर आप बात लेते हैं एक्टिंग की, तो एक्टिंग में सभी लोगों ने अच्छा काम किया, जानवी कपूर ने भी अपनी कोशिश की है कि एक अच्छा करेक्टर निकाल कर दें और एक्टिंग में थोड़ा सा काम अच्छा करें, तो वो उन्होंने किया है मैं मानता हूँ। बात कर लेते हैं इसके क्लाइमैक्स की, तो क्लाइमैक्स में वो बचकर निकल आती है, पर लेकिन किस तरह से बचकर निकल आएगी उसके पीछे एक थोड़ा सा लॉजिक है, वो आप देखेंगे मूवी तभी आपको समझ में आएगा। देखो भाई इतनी सी बात कहने के बाद मैं सिर्फ इतना ही बोलना चाहूंगा कि ऐसी मूवीज जो होती हैं ये मत सोचिए बॉलीवुड की हैं, ऐसी मूवीज आ रही हैं या कोई भी अच्छी मूवी आ रही है 99% ये कॉपी करेंगे, या तो हॉलीवुड की लेकर आएंगे या फिर लेकर आएंगे साउथ की, इनके पास कोई मसाला नहीं बचा है। बॉलीवुड शर्म कर ले भाई, थोड़ी शर्म कर ले, क्योंकि आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, आप लोगों को लग रहा है कि भाई उठाए जाओ मूवी और चेपे जाओ, बस यही धंधा बना लिया है। बहरहाल अगर आप लोगों को ये रिव्यू पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, चारों तरफ फैला दो, और मैं आपको ऐसे ही शानदार शानदार रिव्यूज लाते रहता हूँ फंडू मसाला पर। फिर मिलेंगे चलते चलते, जय हिंद।